डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्रेमिंग इन डेटा लिंक लेयर, क्योंकि डेटा लिंक लेयर की वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेमिंग। कैसे करते हैं, कैसे हम बाइट स्टफिंग करते हैं, कैसे हम बिट स्टफिंग करते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट 60% व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो गाइज याद से सब्सक्राइब जो है वो आप कर दो, और इवन और डिवाइसेस से भी करवा दो। तो गाइज स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग इन डेटा लिंक लेयर। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग इज, ये छोटे मोटे पॉइंट जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक आधे मार्क्स में। द डेटा लिंक लेयर नीड टू पैक द बिट्स इन टू द फ्रेम, मतलब मेरे पास जो बिट्स आ रही है उन बिट्स को मुझे करना क्या है, फ्रेम्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे नॉमन क्लेचर हम कौन से यूज करते हैं, फ्रेम। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में बताया था नॉमन क्लेचर। जैसे नेटवर्क लेयर में हम पैकेट बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम डेटा लिंक लेयर में बोलते हैं फ्रेम्स। तो फ्रेम्स को हमने अलग अलग डिस्टिंग्विश अगर करना है, मतलब एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से अगर अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे पोस्टल सिस्टम में क्या यूज करते हैं वो, मतलब अगर आप पोस्टल सर्विस में एनवलप नहीं होंगे तो हरेक लेटर जो है वो सेम फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है ना। अब या तो लेटर को पढ़ के पता लगेगा कि ये लेटर अलग है और ये लेटर अलग है, नहीं, हम लोग क्या करते हैं उसको एनवलप में डाल देते हैं ताकि उससे जो है वो उनके बीच में डिस्टिंग्विश हो सके। तो इसको बोलते हैं हम एक तरह से डेलिमीटर। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेमिंग में, तो फ्रेमिंग में बेसिकली जो मेजर यूज होती है दैट इज अ करेक्टर ओरिएंटेड। करेक्टर ओरिएंटेड का मतलब क्या है, हम करेक्टर को स्टफ कर देते हैं बीच में। मतलब मेरे पास जैसे करेक्टर्स आ रहे हैं ए बी सी डी, ये मेरे पास डेटा आया। अब इस डेटा को हमने किया क्या, ये इन करेक्टर्स को मुझे करना क्या है, इसमें स्टफ करना है। इसमें स्टफ करने के लिए हम करते क्या है, जैसे फ्लैग का यूज कर लेते हैं। जैसे फ्लैग यहां पे लगा दिया, ये फ्लैग एक यहां पे लगा दिया, इसके बाद फिर मेरे करेक्टर्स आ रहे हैं। तो देखो जैसे ही फ्लैग आया और उसके बाद जैसे ही दूसरा फ्लैग आया, तो इससे पता लग जाएगा कि दो फ्लैग के बीच में जो भी करेक्टर लिखा हुआ है दैट इज योर डेटा। ये बेसिकली काम है किसका, स्टफिंग का। गेटिंग द पॉइंट। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, यहां पे कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि लेट्स से अगर डेटा में फ्लैग हुआ, मतलब डेटा में फ्लैग का मतलब क्या है, जैसे डेटा इस तरीके से आया ए फ्लैग सी, मतलब ये मेरे पास डेटा आया अपर लेयर से। अब ये अगर डेटा आ रहा है अपर लेयर से, तो इसका मतलब अगर ये मैं एज इट इज सेंड कर दूंगा रिसीवर को, तो रिसीवर को पता है कि भैया हम फ्लैग की हेल्प से क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे स्टार्टिंग में मैंने इसको क्या किया, जैसे ही मैंने इसके आगे फ्लैग लगाया और इसके पीछे फ्लैग लगाया, अब मैंने क्या कर दिया, रिसीवर को भेज दिया। रिसीवर को पता है कि जैसे दो फ्लैग के बीच में जो डेटा है उसको उठा लो, वो आपका डेटा है, बाकी का हटा दो। अब जैसे रिसीवर ने रीड किया फ्लैग और साथ के साथ दूसरा फ्लैग, बट होगा क्या, यहां पे ए डेटा रिसीव हो जाएगा, बाकी का रिजेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि दो फ्लैग के बीच में सिर्फ ए लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले क्या बताया कि ये जो फ्लैग लिखा है ना, ये फ्लैग एक्चुअल में डेटा का ही पार्ट है। अगर डेटा का पार्ट है फिर तो मैंने पहले एग्जांपल में बता ही दिया, बट अगर ये डेटा का पार्ट है फ्लैग, फिर उस केस में क्या करेंगे, फिर उस केस में मुझे इस फ्लैग को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक और स्टफ करना पड़ेगा, क्या, लेट्स से ESC, एस्केप जो है मैं यहाँ पे स्टफ कर दूंगा। तो एस्केप, उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, फ्लैग, बाकी का जो है वो डेटा आपका एज इट इज। गेटिंग द पॉइंट। ये देखो, ये अब हम भेजेंगे, अब हम रिसीवर को क्या भेजेंगे, ये फ्लैग ए एस्केप, इस तरीके से एस्केप को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, फ्लैग सी एस्केप। तो देखो अब जैसे ही रिसीवर ने फ्लैग एक्सेप्ट किया, उसके बाद दूसरा फ्लैग आया, लेकिन दूसरे फ्लैग से पहले क्या है, एस्केप। तो रिसीवर को हम क्या बोल देंगे कि भैया अगर फ्लैग से पहले एस्केप आ रहा है तो उस वाले फ्लैग को इग्नोर कर देना। गेटिंग द पॉइंट। उसको एक तरह से डेटा मान लेना। हाँ, उसके बाद अगर एक और फ्लैग आया उससे पहले एस्केप है, नहीं है, तो यानी ये आपका लास्ट है और ये आपका पहले है, तो इस पहले और लास्ट फ्लैग के बीच में जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लो। ये बेसिक सा फंडा है, बहुत ही सिंपल लेवल का फंडा है, लेकिन कई बार इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखो भाई यहां पे कर रहे हैं, जैसे फ्लैग अगर आ गया, अगर एस्केप भी आ गया डेटा में ही, लेट्स से एस्केप आ गया, तो उस एस्केप के आगे एक और एस्केप लगा देंगे, स्टफ कर देंगे, जिससे हम रिसीवर को, ये कहानी याद रखना कि सेंडर और रिसीवर सेम रूल पे चल रहे हैं। ऐसे रिसीवर को कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है कि एस्केप से पहले एस्केप लिखा तो उस एस्केप को डेटा मानना, नहीं, ये कहानी क्या है कि सेंडर और रिसीवर को रूल पता है, दोनों को रूल पता है। जैसे हम छोटे थे गेम नहीं खेलते थे,
बचपन में जिस गेम खेलते थे भैया गेम बना, एक हमने रूल फिक्स कर लिए। अब देखो गली में जब हम क्रिकेट खेलते थे उसका अलग रूल होता था, अब इंटरनेशनल अलग रूल है, रणजी ट्रॉफी में हो सकता है थोड़ा बहुत अलग रूल हो। तो ये कहानी क्या है, बेसिकली सेंडर और रिसीवर ने अपने रूल डिसाइड कर लिए, अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो चलते जा रहे हैं। अब डेटा में अगर एस्केप आ गया तो उस एस्केप के आगे एक और एस्केप लगा दिया, डेटा में फ्लैग आ गया तो उस फ्लैग के आगे एक एस्केप लगा दिया। देखो इस तरीके से स्टफ करके हमने दो एक्स्ट्रा बाइट जो है वो सेंड कर दिए। तो ये दो एक्स्ट्रा बाइट बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ताकि रिसीवर इसको एज ए स्टफ ना मान ले, मतलब इसको एज ए वो एक्स्ट्रा बिट ना मान ले, ये एक्चुअल में डेटा का ही पार्ट है, बस ये कहानी है। तो देखो जब रिसीवर पे पहुंचेगा तो उसको एज ए डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, ये कहानी है बेसिकली किसकी, फ्रेमिंग की। ऐसे हम इसको बिट की फ्रेमिंग में भी करते हैं, तो बाइट फ्रेम है, मतलब पूरा का पूरा करेक्टर हम स्टफ कर रहे हैं, लेकिन हम बिट स्टफिंग भी कर सकते हैं। बिट स्टफिंग मतलब अगर मेरे पास डेटा लेट से आ रहा है 0111, अगर इस तरीके से डेटा आ रहा है तो हम करते क्या है, अगर कॉन्टिन्यूस 51 आ रहे हैं तो मैंने क्या बोल दिया कि भैया उसके बाद मैं जीरो स्टफ कर दूंगा, जस्ट उनके बीच में गैप बनाने के लिए। देखो जैसे यहां पे हमने किया क्या, बिट ओरिएंटेड, बिट ओरिएंटेड में हम कर क्या रहे हैं, यहां पे हम ये देखो जैसे जीरो के बाद कितने 51 आए तो हमने एक जीरो उसमें स्टफ कर दी, फिर उसके बाद जैसे जीरो के बाद 51 आए तो हमने क्या कर दिया, एक स्टफ कर दिया। बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली जीरो फॉलोड बाय 51 हम जल्दी यूज करते हैं, जो हमारे हेड और टेल में हम जल्दी स्टार्टिंग डेलीमीटर, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर के तौर पे भी हम यूज करते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई इसको स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर मान ले या इसको डेटा मान के डिस्कार्ड कर दे, ये बेसिकली हम उसको बता रहे हैं कि ये एक्चुअल में डेटा का पार्ट है, ये स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर नहीं है, ये बेसिकली हेडर का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअल में डेटा का पार्ट है। तो हम जैसे जीरो फॉलोड बाय 51 आएगा तो हम बीच में एक जीरो स्टफ कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ही रूल बना दिया, क्योंकि रिसीवर को पता है कि अगर 51 के बाद 61 आ गया यानी ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से हेडर का पार्ट है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर का पार्ट है, ये एक्चुअल में डेटा का पार्ट नहीं है। तो जस्ट उसको ऐसे समझाने के लिए कि भैया ये डेटा का ही पार्ट है, हमने क्या किया 51 के बाद 61 आने से पहले ही बीच में एक जीरो स्टफ कर दी। तो इस तरीके से कई बार आपसे पूछा जा सकता है बिट स्टफिंग क्या है और आपका करेक्टर स्टफिंग क्या है।